ठीक है सर, ओके ठीक है सर, ओके 1 सेकेंड सर, वन जी मेरा ओके। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मुझे लग रहा है सारे लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि आज का जो हमारा ये सेशन है दोस्तों, आपने यहाँ देखा कि फीडबैक सेशन है, और फीडबैक भी दोस्तों ऐसा वैसा नहीं, फीडबैक भी इतना जबरदस्त वाला कि आपको पता है आफ्टर लॉन्च कंपनी के लोगों की जो बातें हैं, जो उनकी सोच है, जो उनके विचार हैं, वो क्या है वो हम जानना चाहेंगे कि लोग किस तरह से एक्साइटेड हैं। कुछ तो नमूने हमने देखे जो कि मतलब बहुत ही, मैं नमूना भी क्या, इनफैक्ट तो हमारे पास एक शॉर्ट क्लिप जो आए लोगों के, वो हमें बहुत अच्छा लगा, हमें उनको देखकर बहुत मोटिवेशन मिला कि देखिए आज हमारी कंपनी ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर काम कर रही है, या लोगों के दिलों पर मैं तो कहती हूँ राज कर रही है। जिस तरह से आपने देखा कि सुबह मैंने एक वीडियो डाला था सेलिब्रेशन ऑफ ऑन पैसिव लॉन्चिंग का, तो आप सोचिए लोग कितने एक्साइटेड थे, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था दोस्तों, कितना अच्छा लग रहा था उनको देखिए। और स्पेशली वो वीडियो, मतलब मेरे पास इतने सारे आ रहे थे, मैम हमारा वीडियो डालिए हमारा, तो मुझे खुद बहुत अच्छा लगा कि हम अगर अपने लोगों को यहाँ तक ला सकते हैं, और हमें वो वाली बात है ना ऐश वाली, सबको लेके चलना है, एक को भी पीछे नहीं छोड़ना, तो आज उस वीडियो के जरिए कितने लोग जो है सामने आए और बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच टू ऑल जिन्होंने भी मुझे अपने वीडियो क्लिप भेजे, जिनके मैंने 2-3 के नाम भी वहां पर बोले थे, वाईटीपी आनंद जी आंध्रा से हैं, समीर हैं तेलंगाना से, और भी है मीनू है दिल्ली से, तो बहुत अच्छा लग रहा था दोस्तों जब हम अपने लोगों को साथ लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर उन सबके एक्साइटमेंट को तो हमने सुन लिया और देख लिया, उनकी सेलिब्रेशन से हमें अंदाजा हो गया कि वो कितने एक्साइटेड थे। लेकिन दोस्तों अब हमारे साथ इतने सारे यहाँ पर लोग हैं, हमारे पैनल पर भी हैं, और मैं यहाँ देख पा रही हूँ पार्टिसिपेंट भी बहुत सारे हैं, क्योंकि इससे ये पता चल रहा है कि कितने सारे लोग कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, पहले ही बता दूं क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है, फिर भी मैं आपको एक दो चीजें यहाँ क्लियर कर दूंगी बीच में, लेकिन आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे कि आफ्टर लॉन्च कंपनी के लॉन्च होने के बाद आपको कैसा लग रहा है, आपने क्या सोच रखा है। आप पहले आप अपना नाम बताएंगे, देन आप बताएंगे आप कहाँ से हैं, देन आप बताएंगे आपको क्या फील आ रही है। सो ओवर यू नाजमा मैम, मैं सबसे पहले चाहूंगी नाजमा मैम आए और अपनी शेयरिंग रखें कि उनको कैसा लग रहा है। वेलकम नाजमा मैम। थैंक यू सो मच शाहिन मैम, बहुत अच्छा लगा आपने शेयरिंग रखी। और मैं नाजमा राजपूत, पैसिव ब्रांड एम्बेसडर, आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं चाहूंगी मेरे बोलने से पहले डॉक्टर साहब आए, वो कुछ कहें, तभी अच्छा लगेगा जब हमारे ग्रेट 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 पर्सनैलिटी, ग्रेट हमको गाइड करने वाले, कहते हैं ना समय समय पे, एक समय समय पे, यानी कहते हैं कि जब तक दुनिया रहेगी तब तक अच्छे लोग भी रहेंगे। और कुछ जो अच्छे लोग हैं उनमें से एक डॉक्टर इदरीस मोदी भी हैं, जो कि अच्छी नाजमा मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। गाइडलाइंस हेलो, हाँ नाजमा मैम, हेलो हर दिन दिन ही दिन है ये चीज वो हेलो हमारे बीच में आवाज। हेलो, ओ नाजमा यार, मैम, आवाज आपकी हेलो, क्लियर नहीं आ रही है, सॉरी, आवाज आपकी नहीं आ आवाज रही, क्लियर नहीं, लहरा रही है आपकी आवाज, तो फिर और वो भी वो खुश भी हो, खुश है। बिल्कुल सही कहा आपने दोस्तों, ये यानी कि खुशी मेरी में आवाज लहरा आ रही रही है। है। अब आइए जी जी आपकी जी आवाज। जी मैं चलिए बताइए। यहाँ मैं कहना चाहूंगी, मैं नाजमा राजपूत आप सबका स्वागत करती हूँ टीम चैंपियन के प्लेटफॉर्म पर, जो कि नई दिशा से ये चालू है। और ये दिशा दिखाने का काम, कहते हैं ना समय समय पे, जब तक दुनिया रहेगी तब तक अच्छे लोग भी रहेंगे, और दुनिया ही अच्छे लोगों से टिकी हुई है। तो मैं जब जब से मिली हूँ, जब से मैं उनको जानती हूँ, तो मैंने ये देखा है डॉक्टर इदरीस मोदी, मतलब हमारे साथ इतनी एक नए टॉपिक के साथ, नई बात के साथ, नई सोच के साथ, नई दिशा के साथ, अभी जैसे चल रहा है नई दिशा, तो नई दिशा के साथ, तो वो फिर आज एक चीज को प्रमोट कर रहे हैं। और समय समय पे उनका कुछ ना कुछ रहता है, जैसा कि आप देखते हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म किए हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं आपका स्वागत करती हूँ सर, ये सुना है जब तक आप नहीं तब। नाजमा, मैं थोड़ा सा अभी कहीं मीटिंग में हूँ एक्चुअल में, मैं बीच में आके फिर जी बोलूंगा, आप अभी कंटिन्यू रखिए। बिल्कुल नो प्रॉब्लम सर, हाँ आपने असल में माइक ऑन, आई मीन कैमरा ऑन किया, तो आई थिंक मैं समझी शायद आप आना चाहेंगे। नहीं नहीं चलिए नहीं नहीं कोई आप नहीं, बहरहाल स्वागत है सर आपका।
बहुत बहुत तहे दिल से शुक्र करते हैं हम आपका कि आप हमें मिले और आपने जो हमको समय समय पे गाइड करते हैं, तो उससे बड़ी चीज हमारी जिंदगी में नहीं हो सकती, क्योंकि हम एक भी कदम अपनी तरफ से उठाएंगे तो हम कामयाब नहीं है। लेकिन जब कोई शख्स ऐसा गाइड करने वाला हो तो कहते हैं कि हर हर पल सफल है, हर जिंदगी का एक एक पल हम लोगों का जिंदगी का सफल है। जैसा कि आज हमारा ये टीम चैंपियन पे अपना ये वेबिनार चल रहा है, 6 बजे का इस पर टाइम है। इसमें नई दिशा का काम जो करने वाले शुरू किया है डॉक्टर रिद्धिस मोदी है, और इसको हम चालू कर समझते हैं। बहुत ज्यादा बेचैनी थी हर फॉर्म, मतलब कोई कंपनी का वेट नहीं करना था, बस ये था कहीं से हमको अपना एड दिख जाए। बहुत कॉल्स, बहुत सारे मतलब कंफ्यूजन बहुत ज्यादा था आईडीज को भी लेकर, अब क्या करना है, अब क्या करना है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बार बार एक ही बात कही जाती है कि आप बैक ऑफिस को जरूर चेक करते रहें। जैसा कि अब आईडीज का आ रहा है तो उसमें भी प्रॉब्लम परेशानी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग ज्यादा हैं, टाइम तो लगेगा थोड़ा, लेकिन हो जाएगा सब। क्योंकि इसका कहना है, मिस्टर इश का कहना है कि किसी भी फाउंडर्स को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, सबको साथ लेके चला जाएगा। इसलिए कोई भी फाउंडर्स इस चीज को लेकर, यानी कि 2022 आज का दिन ऐतिहासिक है ऑनपैसिव की दुनिया में। यकीनन आज फाइनली हमारा ऑनपैसिव फाइनली लॉन्च हो गया है, और सच में फाउंडर्स में बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट देखी। बहुत सारे लोगों ने केक काटा और बहुत से लोगों ने पटाखे फोड़े, जर्नी को एंजॉय किया। वाकई में यहाँ तक पहुंचना इतना ज्यादा आसान भी नहीं था, बहुत सारी मुश्किलों के बाद, यानी कि बहुत मतलब सामना करना पड़ा और बहुत मेहनत लगी। इस बीच हम सेलिब्रेशन वीडियोज को एक्सप्लोर कर रहे थे, हमने देखा कि कुछ लोग ऑनपैसिव के यानी के पोस्टर पर दूध भी चढ़ा रहे थे, तो बड़ा देख के बड़ा उसको अजीब से लगा, यानी कि वो गलत लगा हमको, हमारी नजर में गलत है। क्योंकि हमारे जो सीईओ हैं विजन को लेके चल रहे हैं कि सबका पेट भरना है, तो ऐसे फूड को अगर हम वेस्ट करेंगे तो ये हम अपनी ये कोई हमारी अकलमंदी का सबूत नहीं है। तो इसलिए इस तरह की कोई हरकत ना की जाए, और वन बाय वन यहाँ शेयरिंग सब रखेंगे, और जिसको भी आना है, जो भी फाउंडर्स बोलना चाहता है, मैं ये कहती हूँ अगर किसी को ज्यादा बोलना भी नहीं आता, सिर्फ आप अपने बारे में बताइए, क्योंकि आप सब यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो आपको हक बनता है कि आप अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ से। इतनी ज्यादा ना बोलो, सिर्फ इतना बताओ मैं ये हूँ और मैं यहाँ रहता हूँ, और बस ये कुछ नहीं। ज्यादा बोलना चाहते हैं कुछ अपना अपना मतलब माइंड में से कोई चीज लाइए, निकाल के बताइए आप ऑनपैसिव के बारे में, क्योंकि ऑनपैसिव की जर्नी 4 साल की कंप्लीट हुई है, उसके बाद हम लॉन्च हो चुके हैं। आज हम कह सकते हैं फख्र से कि हम लॉन्च हो गए, क्योंकि आज हम जितना हम लोगों ने शोर मचाया है, पूरे जोश के साथ इसमें जुड़े रहे हैं, पूरी यूनिटी के साथ जुड़े रहे हैं, और रात दिन हम कहते हैं कि हमारी तो नींद भी खत्म हो चुकी है। तो मैं यहाँ ये आज जब लॉन्च हुआ है तो एक अलग ही हमारा मतलब बहुत खुशी सी हो रही है, और बताने में भी एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है कि हाँ हम लॉन्च हो गए हैं। तो इसी के साथ मैं चाहूंगी शाहिन मैम, प्लीज वेलकम, कुछ आप शेयरिंग रखें। थैंक यू नाजमा मैम, आपने फिर से इतने अच्छी तरह से सब कुछ डिस्क्राइब किया। दोस्तों देखिए, सबका जो है कहते हैं ना कि अपना अपना तरीका है खुशी को सेलिब्रेट करने का, सबका एक अलग तरीका होता है। कोई एंजॉय शादी होती है घर में, सबके तरीके अलग अलग होते हैं। सो यहाँ पर मैं इतना ही कहूंगी कि बहुत अच्छा लगा मुझे तो सबका ही जो सेलिब्रेशन वे था, जो एटलीस्ट वीडियो मेरे पास आए, मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ऐश सर का जो विजन है वो आज की डेट में पूरा हो गया, और हम सबके ड्रीम जो ऐश सर के साथ उनके विजन के साथ जुड़े हुए थे वो भी सबके अब पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताए, छोटा सा अपडेट दूंगी, जैसे कि अभी बहुत सारे लोग जो हैं परेशान हो रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं कि आईडीज नहीं बन पा रही है किसी वजह से, ओ मेल आपका रजिस्टर अगर नहीं हो पा रहा, एक सेकेंड दीजिएगा प्लीज, मैं जरा लीड लगा दूं। तो बहुत सारे लोगों का क्या हो रहा है कि आईडी जो है लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, या अगर लॉगिन हो रहा है, जैसे मेरा ओ फाउंडर नहीं खुल रहा था, मैं सुबह से बड़ी परेशान थी, बार बार कॉल कर रही थी, कभी सर्वनंद जी को, कभी नाजमा मैम को, कि भाई मेरा लॉगिन नहीं हो रहा है, आप लोगों का हो गया। तो दोस्तों बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। अभी आपने देखा कि एनजी मैम ने भी पोस्ट डाली, गुरसिंदर सर ने भी, क्रिस सर ने भी, सबने एक ही बात कही, वी शुड हैव टू वेट, हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, ताकि अगर हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो हम सबके लिए आसानी होगी।
और सबका हो जाएगा दोस्तों। हमें मुझे वो वक्त भी याद है जब हम गो फाउंडर से ओ फाउंडर में आए थे। कई लोगों का तो तीन तीन दिन में भी जो है जा करके वो लॉग इन हुआ था, लेकिन अभी तो दोस्तों सिस्टम स्मूथ हो रहा है, थोड़ा बेटर हुआ है कल से अब तक। पहले तो बहुत बफरिंग हो रहा था, अभी लॉग इन हो पा रहा है लेकिन रजिस्ट्रेशन शायद ओ मेल में नहीं हो पा रहा है। तो बिल्कुल परेशानी हुई है। कंपनी का जो विजन है वो यही है, ऐसे हमेशा कहते हैं कि सबको साथ लेके चलेंगे, एक भी फाउंडर को नहीं छोड़ेंगे। तो अभी बहुत कूल रहिए, बिल्कुल काम रहिए। जैसे कि क्रिस ने भी बोला, मैंने वीडियो में बताया भी, क्रिस ने भी बोला कि भाई मेरी भी अभी तक मैंने अपना न्यू बैक ऑफिस नहीं देखा है, बट स्टिल मैं कूल हूँ, मुझे पता है मेरी आईडी बिल्कुल सेफ है, कहीं नहीं जाने वाली है। तो मैं तो आप सबसे यही कहूंगी कि आप लोग भी बिल्कुल टेंशन फ्री रहें और बिल्कुल आराम से आपका कल तक, मोस्ट प्रॉब्ली आज नहीं तो कल तक सबका हो जाएगा, आई होप सो। सो अब हम बात करेंगे यहाँ पर हमारे अभी जो शेयरिंग करने वाले लोग हैं, तो पहले अपने रेज हैंड कर रखे हैं। वाओ, बहुत सारे लोगों के रेज हैंड है, मैं यहाँ देख पा रही हूँ। ओके, तो पहले हम एक एक करके बुलाते हैं। इसमें लेडीज कौन है यहाँ तो? और ये जो नाम आ रहे हैं ना रियलमी करके, रियलमी आर एम समथिंग 3392, आप प्लीज यहाँ पर अपने नाम से आइए तो हमें बुलाने में भी आपको आसानी रहेगी। आपका हैंड तो रेज है लेकिन हमें पता नहीं चल पाएगा। सारे तो ज्यादातर यहाँ पर जेंट्स मुझे नजर आ रहे हैं, बेटा मैंने अब आपने से कौन लेडीज है तो हमें नाम से अर्चना कुमारी। शाहिन मैम ऐसा कुछ नहीं, आप ऐसा है अभी ये फीट सेशन है ना, तो लेडीज हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी है तो आप आपको ऑप्शन दिया गया है, आप बात कर सकते हैं सर। रामा आशीष सिंह जी आप सुन पा रहे हैं हमें? ओके, नेक्स्ट देखिए सरवनंद जी, जो भी है उनको दो दो तीन तीन लोगों को ले लीजिए पैनल के। हेलो हेलो मैम, हेलो सर, आपका वेलकम है आज के शो में। आपकी आवाज आ रही है सर? आ रही है। गुड इवनिंग मैम सभी को। गुड इवनिंग सर। मैम हम बहुत एक्साइटेड हैं ऑन पैसिव लॉन्च होने के लिए, और ये तो ऑब्वियसली लॉन्च हो गया है और हम ओबीएस में जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हैं मैम। 20 नवंबर को हम लोग पार्टी केक सब कटिंग किए थे, पड़ाका उड़ाका, हम लोग को लगा कि 20 नवंबर का मेरा घर फिर से दीपावली हम लोग मनाए मैम। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कहा आपने। वाकई ये दीपावली से कम नहीं है, ऑन पैसिव का जितनी शिद्दत से लोग इंतजार कर रहे थे और आज दीपावली की तरह से उन्होंने मनाया, बहुत अच्छी बात है। जी सर मैम, मेरा एक सवाल है कि मेरा इको सिस्टम अभी है तो वो कितने दिन में पूरा क्लियर हो जाएगा सबका, उसमें आईडी फिर सबका उसमें क्लियर हो जाएगा, जो भी उसमें करना है, ओ मेल में हमें घुसना है, जो भी करना है। सर देखिए बिल्कुल आपने आपने पूछा है तो मैं बता दे रही हूँ। वैसे मैंने बताया ये क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है, मैंने इसीलिए पहले अपडेट दिए कि यहाँ पर क्वेश्चन आंसर नहीं है, लेकिन चलिए आपने पूछा है तो सभी के लिए एक ही जवाब है। अभी आप एक दो दिन वेट कीजिए, एक दो दिन के बाद जो है यहाँ पर आप जो है सारा कुछ लॉग इन कर पाएंगे, रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, क्योंकि अभी आपको पता है कि 14 लाख लोग हैं दोस्तों, 14 लाख लोग एक साथ रजिस्टर कर रहे हैं, तो कितना आप सोचिए नेटवर्क भारी मतलब प्रॉब्लम हो रहा होगा साइट पर, कितना लोड पड़ रहा है साइट पर कि एक साथ हर कोई ट्राई कर रहा है कि पहले हमारा हो जाता है। और आपको पता है मैंने कल से अब तक ट्राई नहीं किया, एक बार आज ट्राई किया था, नहीं हुआ दिन में कोई बात नहीं, मैंने कहा कोई नहीं शाम में करेंगे। लेकिन बेटर वे मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग चाहें तो रात में ट्राई कीजिएगा, थोड़ा लेट नाइट, थोड़ा नेटवर्क फ्री हो जाता है क्योंकि दिन भर लोड होता है, तो रात में थोड़ा फ्री हो जाएगा, देन आप या फिर अर्ली मॉर्निंग करिएगा तो मोस्ट प्रॉब्ली आपका हो जाएगा। ओके ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर शेयरिंग। थैंक्स मैम, वेलकम सर, वेलकम। आप विनोद कुमार निमानी जी, विनोद कुमार जी आप बात कर सकते हैं प्लीज। विनोद कुमार जी आप सुन पा रहे हैं? ओके, नेक्स्ट है हमारे साथ
ओके सर्वानंद जी, ले लीजिए दो चार लोगों को आप साथ में। पैनल पर तो बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझे मतलब लिस्ट में नजर आ रहे हैं जिनके रेज हैंड है। उपेंद्र नाथ औरंग जी, उपेंद्र नाथ जी आप बात कर सकते हैं, वेलकम है सर आपका। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। उपेंद्र जी आप सुन पा रहे हैं? ओके राजेश रंजन जी, राजेश रंजन जी, जी सर हेलो। हाँ मैम आवाज आ रही है। सर से नारायण कुमार जी, जी सर बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। थैंक यू मैम मंच पर बुलाने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैम मैं नाम सत्यनारायण कुमार गुप्ता, डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद बिहार से। जी जी मैं सर, कैसा लग रहा है आपको ऑन पैसिव लॉन्च होने के बाद, कैसी फीलिंग आ रही है? इतना खुश हूँ मैम कि कैसे बताऊं, बता नहीं पा रहा हूँ। मतलब बता नहीं पा रहे, सही बात है, आपकी फीलिंग इतना खुश हूँ कह नहीं सकते हैं मैम, इसलिए आप एक्साइटेड हैं बहुत, इसलिए मैम आप अवैध सर का मैं कोठी कोठी प्रणाम देना चाहता हूं कि जो ने इस गरीब आदमी को इस जगह पर लाया है उसने, मैं उनको थैंक यू। अब वापिस आप प्राइम मिनिस्टर को मेरे तरफ से पूरा थैंक यू। आज को मैं अपना वाणी को विराम देना चाहता हूँ। 100 यूनिट टू यूनिट बहुत अच्छा आपने बोला कि दोस्तों देखिए कभी कभी हमारे पास अल्फाज नहीं होते, कहना तो बहुत कुछ चाहते लेकिन उनको मतलब उनकी फीलिंग हम समझ पा रहे हैं कि इस वक्त कितना एक्साइटेड है, कितने अच्छे से बात करना चाह रहे हैं, लेकिन क्या होगा थोड़े टाइम बाद अब यहाँ से फोन रखे जाएंगे ना, तब इनको लगेगा काश मैं ये भी बोल देता, मैं ये भी बोल देता। कोई बात नहीं, हम फिर आपको किसी दिन बुलाएंगे, आप जरूर आइएगा अपनी शेयरिंग के लिए। नेक्स्ट हमारे साथ हैं ओके विनोद कुमार जी, प्लीज वेलकम है सर आपका। विनोद कुमार जी आप सुन पा रहे हैं मुझे, आपका माइक भी ऑन है। ओके बहुत शोर हो रहा है, इनका माइक म्यूट कर दिए सर। नेक्स्ट है राज मनीष बाली, अच्छा मनीष बाली आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी मैम सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, वेलकम है मनीर आपका। वेलकम। खड़ा रहे जमाने के बवंडर में सीना तान के, खड़ा रहे जमाने के बवंडर में सीना तान के, आज जो हमारे लिए गाली देता है कल वो हमारे लिए ताली बजाएंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने डिस्क्राइब कर दिया कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अपने बारे में तो बताइए आप कौन है, कहाँ से हैं? मैं तो आपको जानती हूँ लेकिन बाकी लोग नहीं जानते हैं। मैं तो मनीर अहमद बाली, डिस्ट्रिक्ट रियासी, तहसील मोहर, विलेज लार, जे एंड के, जम्मू एंड कश्मीर से हूँ। जम्मू एंड कश्मीर से, इतना बड़ा बताया जम्मू एंड कश्मीर काफी था। तो कैसा लग रहा है मनीर आपको अभी लॉन्च होने के बाद, अभी क्या फीलिंग आ रही है? लॉन्च होने के बाद देखो तो मतलब ऑन पेसू को लॉन्च होना ही होना था, क्योंकि मतलब ऑलरेडी जिन बंधुओं ने मतलब 2018 से ज्वाइनिंग की थी ऑलरेडी मतलब ऑन पेसू को किसी भी टाइम पे लॉन्च होना था, ये बहुत अच्छी बात है कि 20 तारीख हमारा ऑन पेसू लॉन्च हुआ, तो इसके लिए मतलब इतनी बड़ी खुशी है हमारे लिए, हमारे लिए नहीं बल्कि मतलब ऑल फाउंडर्स के लिए बहुत बड़ी खुशी है, क्योंकि उस 20 तारीख के दिन सब लोगों ने ढोल पटाखे केक काटे मतलब सारी कुछ सेलिब्रेशन मनाई, और ऐसी सेलिब्रेशन मनाई कि जैसे मतलब ये मतलब हमारे ईद के दिन भी ऐसी सेलिब्रेशन नहीं मनाई जाती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो हम आज फील कर रहे हैं ऑन पेसिव में इंटर होके, ये फील हमने लाइफ टाइम मैं अभी तक जो हमारी जिंदगी गई इस तक हमने कभी भी इस मोमेंट को अचीव नहीं किया, तो मैं गॉड का मतलब बहुत शुक्रगुजार हूँ, एसर का बहुत शुक्रगुजार हूँ
क्योंकि उसने हमारे जैसे मतलब बंधु को भी इस प्लेटफॉर्म में घुसने की इजाजत दी। तो वेल डन एश सर, और मैं सब लीडरों के साथ मतलब बात करता रहा, क्योंकि मतलब बात करने से इंसान का क्या होता है कि नई एक मतलब टेक्निक मिल जाती है, और बात करने का मतलब जो तरीका होता है उसको आदमी मतलब अपना लेता है, और बात करने का मतलब आगे से पेशेंट भी रहता है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया मनीर आपका, आप बहुत अच्छे से अपनी शेयरिंग रखी आपने। सही बात है, एशर की विजन के सब साथ हैं, तो हर बंदे को यहाँ पर इस ऑन पैसिव में आने का मौका मिला, चाहे वो छोटे से छोटा हो बड़े से बड़ा हो, यहाँ पर हर तरह का आपको जो है फाउंडर नजर आएगा। लेकिन आज यहाँ पर आने के बाद हर लेवल का बंदा यहाँ पर एक ही लेवल में खड़ा है, एक ही लाइन में खड़ा है। ऑल आर ऑन पैसिवियंस, ऑल आर ब्रांड एम्बेसडर्स। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी पदवी मिली हुई है हम लोगों को, ब्रांड एम्बेसडर्स। तो थैंक यू सो मच सुनील, बहुत अच्छी आपने शेयरिंग रखी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पर हमारे साथ सोनिया कुमारी। मैडम जी 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 मुनीर, हेलो, आवाज। हाँ जी सोनिया, वेलकम है आपका आज के शो में। क्या हो रहा है मुनीर, आप कुछ कह रहे हैं? जी 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 बताइए। जो यहाँ का रहने वाला है, खासकर ये इंडिया के फाउंडर्स के लिए है, इंडिया इंडियन के फाउंडर के लिए मैं डेडिकेट मतलब कर रहा हूँ। जो यहाँ का रहने वाला है वो दिल में अपने ठान रखे, जो यहाँ का रहने वाला है वो दिल में अपना ठान रखे। ये चरत परत का नक्शा था, इस नक्शे को हम लोगों ने पहचान मतलब इस नक्शे को हम लोगों ने पहचान लिया, और हम लोगों ने समझा, और समझ के मतलब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हम लोगों के हाथ में मिली। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। तो मनीर वाले लड्डू लेके आते हैं कश्मीर से, या सेब लेके आते हैं? इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब कुछ मिलेगा। ऐसा हमारा सिस्टम बना कि हम लड्डू क्या सेब, हमें मतलब दुनिया की हर एक खुशी मिल सकती। यस, थैंक यू सो मच मनीर। आप देखिए सब, बात करूं सर्वानंद जी में? ओके दोस्तों, मैं इतना ही बोलूंगी, थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखिए, क्योंकि काफी सारे लोगों के रेज हैंड है और हर कोई अपनी शेयरिंग करना चाहता है। तो दो मिनट के अंदर स्वीट एंड शॉर्ट मैसेज दीजिए, आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है, आपका नाम बताएं और जगह बताएं और अपनी फीलिंग्स शेयर करें। तो ओवर टू नाजमा मैम, आप कंटिन्यू करिए प्लीज। नाजमा मैम, थैंक यू सो मच शाइन मैम, आपने बहुत अच्छी शेयरिंग रखी, और मनीर वाली बहुत ज्यादा खुलते जा रहे हैं बोलने के लिए, तो मेरे वाले बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये फीडबैक का सेशन है, तो हम सबको मौका दें, बाकी जुड़े रहें, लगे रहें, आते रहें। मैं चाहूंगी, मुझे सोनिया जी नजर आ रही हैं। सोनिया आप अपनी शेयरिंग रख सकते हो। थैंक यू नाजमा मैम एंड गुड इवनिंग ऑल। थैंक यू, वेलकम, बहुत दिन बाद आपकी आवाज सुनी, ये कान तरस रहे थे आपकी बात सुनने के लिए। चलिए आज तो सेलिब्रेशन है, आप जी बोले सर। माय नेम इज सोनिया, आई एम बिलोंग टू इटावा, एंड ऑन पैसिव जब लॉन्च हुई थी, जब वो मीटिंग देख रहे थे तो इतना एक्साइटमेंट बढ़ रहा था, काउंटडाउन चल रही थी और जो 1-2-3 का काउंटडाउन जावेद सर बता रहे थे, इतना देख के उसको कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जैसे ही सब लोगों ने अपना लॉग इन करना स्टार्ट किया, सब लोगों को बस ये लग रहा था कि बस कैसा डैशबोर्ड दिखेगा हमारा इको सिस्टम में जाने के बाद। बहुत ही अच्छी वेबसाइट थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग, उसमें बस ये लग रहा था कि बस अब तो हमारा ये नया डैशबोर्ड, बस हमें ये जल्दी से मिल जाए। और उस टाइम पे सभी लोगों को बस ये लग रहा था कि हम लोग इकोसिस्टम के अंदर जाएं, कैसे कैसे हो रहा है, सब लोग अपने अलग अलग तरीके से, कोई onpassive.com में जाकर, कोई फाउंडर नेट से जाकर, सब लोग जो देख रहे थे वहां पर किसी किसी का हो भी रहा था बट नहीं भी हो रहा था। फिर सभी लोगों ने देखा, जो एक्साइटमेंट लेवल था बहुत ही हाई था और सब लोगों को इतना अच्छा लग रहा था, सब लोगों की शेयरिंग सुनी बहुत ही अच्छी थी। और उसमें बस हम लोगों को बस सेलिब्रेशन के लिए, तो हम लोगों को ये लग रहा था कि मन हो रहा था बस अब हम लोग क्या कहें इसके बारे में, जो हम लोगों की शेयरिंग रही है वहां पर सभी लोगों की बहुत ही अच्छा मैम। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि अभी जो हम लोगों का इकोसिस्टम आ रहा है, ऑलरेडी सबके पे आने लगा है वो,
तो उसमें धीरे धीरे करके आप सभी लोगों की आईडी जो है वो ईमेल की वो क्रिएट हो जाएगी, बट थोड़ा सा पेशेंस रखें और बस। थैंक यू नज़मा मैम। थैंक यू सो मच सोनिया जी, बहुत अच्छी आपने शेयरिंग रखी और आते रहा करें आप, आपकी जरूरत है क्योंकि ये मंगलवार को तो लेडीज सेशन है तो आपको आना बनता है। तो शाइन मैडम, शाइन मैम कंटिन्यू प्लीज। नहीं नहीं आप कीजिए, आप बुलाइए, तो सब लोग पैनल पर हैं, यहाँ दिख रहे हैं, सबको बुला लीजिए एक एक करके। जी मैं बुलाना चाहूंगी शेख मोहम्मद मुस्तफा। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं मुस्तफा हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। वेरी गुड सर, स्वागत है, डबल स्वागत है आप हैदराबाद से। हमने 20 नवंबर को ऑनपीसी ऑफिस के पास जाके सेलिब्रेशन किया था, बड़ा अच्छा लगा हम लोग को, बड़ा मजा आया। और अरे वाह सर, तो बहुत अच्छी खबर दी आपने। जावेद सर ने, नगमा तबस्सुम मैडम ने हमारी वीडियो डाली है यूट्यूब पर, कभी फ्री रहे तो देखिए आप। तो उसमें अच्छा क्या लगा यानी मैडम, अच्छा ये लगा कि कोई भी हमारी मेरी खुद की टीम का कोई आदमी नहीं था वहां पर, मैं सब अलग 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 लोग थे, सब फाउंडर अलग अलग टीम से थे, कोई किसी की टीम का नहीं था। तो जैसे ऐश मुफारे सर बताते हैं कि टीम की बात मत करिए, वही अच्छा लगा कि पूरी एक फैमिली है, फैमिली के जैसा रह रहे। तो हमने अपनी अपनी शेयरिंग रखी वहां पर, मैं आके अच्छा लगा। और संडे था, संडे के दिन भी ऑफिस ओपन था, ऑफिस के अंदर में स्टाफ है, स्टाफ वर्क कर रहा था क्योंकि लॉन्चिंग थी हमारी बोलकर। और मेरी भी तकरीबन जो ग्रुप्स है, ग्रुप्स के लोग भी मुझे मैसेजेस वगैरह कर रहे हैं, ये इकोसिस्टम ओपन नहीं हो रहा बोलकर। जैसे कि मैडम हमारा ओ फाउंडर पहले आया था स्टार्टिंग में, ओ फाउंडर आने के बाद में वो ठीक से चल रहा नहीं था वेबसाइट, एक दो तीन दिन जाने के बाद में वो खुद ब खुद होकर स्मूथली रन करने के लगा। अब इसको भी थोड़ा सा वक्त दे दिए तो ये भी अच्छे से अच्छा चलेगा, बस यही बोलना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आप लोग का बुलाने का। थैंक यू सो मच मुस्तफा जी, बहुत अच्छा लगा आपने शेयरिंग रखी, और सबसे अच्छा लगा कि आपने जो सेलिब्रेशन की बात करी तो उससे और ज्यादा हमको अच्छा लगा। तो सर मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी ओ कुशवाहा ब्रदर छोटू सर। स्वागत है आपका सर, सुन पा रही म्यूट हो गई थी ना मैम। यस 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 सर, सर स्वागत है आपका टीम चैंपियन प्लेटफॉर्म पर सर। थैंक यू मैम, नई दिशा में। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी फाउंडर्स को नमस्कार, मैं छोटू कुशवाहा हरिगंज पुलाम झारखंड से। वाकई में साथियों जो हम लोग को प्लेटफॉर्म मिला है ऑनपीसी का वो बहुत ही अच्छा है। और दूसरी बात है कि आज की डेट में हम लोग जो वर्षों से इंतजार कर रहे थे कि हमारी कंपनी कब लॉन्च होगी वो फाइनली 20 नवंबर को हम लोगों ने ग्लोबली लॉन्च हो चुकी है कंपनी। और साथ ही साथ हम लोग जितने भी फाउंडर्स हैं वो हर जगह से सेलिब्रेट किए, और जैसा कि नाजमा के पास मेरा भी वीडियो फोटो गया हुआ होगा, और मैंने भी अपने सभी फाउंडर्स के साथ, लगभग 100 फाउंडर्स के साथ मैंने भी इस सेलिब्रेशन को किया और फुल एंजॉय किया। और वाकई में इस ऑन पैसे के बारे में एक लाइन बोलना चाहता हूँ। आवाज जा रही है ना मैम? जी सर जी, बहुत अच्छे से आप कंटिन्यू सर, आवाज आ रही है। मैं ऑन पैसिव के बारे में दो लाइन बोलना चाहता हूँ मैम। जमीन की कीमत और ऑन पैसिव वालों की हिम्मत कभी कम नहीं हो सकती है। अरे दिल तो वासिक तोड़ते हैं, हम तो ऑन पैसिव वाले हैं, पूरा रिकॉर्ड तोड़ते हैं। अंजाम की फिक्र तो कायरों करते हैं, है ना, जहाँ रिस्क होती है वहाँ हमारी सक्सेस फिक्स होती है। ये लाइन से मतलब ये है कि आज की डेट में जब हम लोग ऑन पैसिव को अपॉर्चुनिटी के रूप में सभी लोगों को जब मैं शेयर कर रहा था तो बहुत सारे लोगों ने इसे मजाक में लिया, बट आज की डेट में जो लोग रिस्क लिया है 9086 की, आज उनके लाइफ में जो है
ये बिल्कुल सक्सेस फिक्स हो गई है। तो वाकई में मैम बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं तो मतलब 20 तारीख को ही नहीं, मैं 11 नवंबर 2020 को जब ऑन पैसिव सिस्टम हमें मिला था उस टाइम से एक एक दिन मैंने सेलिब्रेट किया है। और 20 तारीख के बाद तो कहना ही नहीं है, डे नाइट फुल टाइम एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू मैम इतने बड़े प्लेटफॉर्म से मुझे मौका देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच, आपकी शेयरिंग के साथ साथ आपके बहुत अच्छे बोल थे। और ऐसे बोल जो है ना, मुझे एकदम डॉक्टर विकास भी याद आ गए, वो झटपट एकदम कविता बना दिया करते हैं। वाकई में आज वो नहीं है मीटिंग में, तो बड़ा मुझे मतलब उनकी याद दिला दिया आपने। सर आपने बहुत अच्छी शेयरिंग रखी। सर मैं ये चाहूंगी अगर आपने वीडियोस बनाए हैं, अगर आप चाहें तो, क्योंकि हमारा भी चैनल है नाजमा राजपूत ऑन पैसिव के नाम से, शाहीन हसन के नाम से दो चैनल है, तो हम चाहेंगे कि हम भी अपने चैनल पर डालें ताकि हमें, अच्छा हमें जो है कि उत्साह दिखना चाहिए सर, हमारे फाउंडर्स यानी हमारे ब्रांड एम्बेसडर के पता चलना चाहिए ना कितने अपने आप में खुश हैं, उन्हें किसी के पैसे देने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, क्योंकि वो अपने आप में खुश हैं। तो थैंक यू सो मच सर, आप आए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। मैं नेक्स्ट लेना चाहूंगा, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेना चाहेंगे हम सत्यनारायण कुमार गुप्ता जी। सर स्वागत है आपका। सर आप सुन पा रहे हैं? हेलो, ठीक है नेक्स्ट लेते हैं हम नवाज अहमद। नवाज अहमद आप हमें सुन पा रहे हैं तो आइए, स्वागत है आपका। इनको अनम्यूट का ऑप्शन दो, मेरे ख्याल में आप सुन पा रहे हैं सर। ऑप्शन है ना सर मैम के पास, वो अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। जी 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 सर, ओके नेक्स्ट कर लीजिए। ठीक है नेक्स्ट ले लेते हैं। हाँ नेक्स्ट ले लीजिए। ब्रजेश मौर्या सर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आइए अपनी शेयरिंग रखें। हेलो जी सर, स्वागत है आपका। जी मैं आजमगढ़। हेलो सर आप सुन पा रहे हैं? सर आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है, नेटवर्क से बाहर। ओके ठीक है सर, आपकी आवाज थोड़ी सी है, नेक्स्ट टाइम लेते हैं आपको, जैसे ही आप नेटवर्क में आए तो आप। ठीक है शाइन कंटिन्यू करें आप। ठीक है ना, थैंक यू सो मच। राजेश रंजन जी से बात नहीं हो पाई है, अगर अब आप आ रहे हैं तो आप आ सकते हैं, आपको अनम्यूट कर लीजिए सर। राजेश रंजन जी देखिए अभी क्या है ना, वीडियो शेयरिंग कर। हेलो हेलो आवाज आ रही है मैडम? हेलो जी सर आ रही है ना, मैं मिल रहा था आपने, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो सर मेरी आवाज तो आ रही है, बाकी लोगों को आ रही है कि बताएं ना मैम आवाज आ रही है? आगा बुलाया, आपकी आवाज आ रही है शाइन मैम? ओके ओके इनको नहीं जा रही है सर, आप प्लीज थोड़ा सा नेटवर्क में आके बात कीजिए ताकि आपका नेटवर्क होगा तो आप बात कर पाएंगे। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे नरेंद्र पर, इनकी आवाज नहीं आ रही सरवरन जी, इनको भी हटा दीजिए। हिम्मत जी आपकी आवाज, आपकी आवाज आ रही है लेकिन बहुत कट रही है। हेलो हाँ दैट्स बेटर, क्योंकि दिक्कत हो रही है ना फिर बाकी लोग नहीं आ पा रहे। ओके नेक्स्ट हम बात करेंगे नरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी से, तो प्लीज सर अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपने आप को अपन म्यूट कर सकते हैं। वेलकम है सर आपका। धन्यवाद मैम, धन्यवाद धन्यवाद। यस आई कैन डू इट, जो चीज हम लोग सोचे थे। जी जी मैम, हमारे जितने भी
मीटिंग में जितने भी हमारे सहपाठी हैं, जितने साथी हैं हमारे, जितने भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, आप सबको नरेंद्र प्रसाद गुप्ता की तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत ढेर सारी खुशी कि हम लोग जिसका इंतजार कर रहे थे हम लोग के समक्ष में ये आ गया है, और बहुत दिन से, बहुत कितने सालों से हम लोग इंतजार कर रहे थे, इसीलिए मैं बोला कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता था, और जो मैं हम लोग कर दिए वो आने वाला नस्ल याद रखेगा। एक चीज हमें आज भी याद है कि कम समय में लिया गया फैसला पूरी नस्ल बदलने की कायनात रखता है दोस्तों। तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं एक समय में जो फैसला लिया था उस समय वो फैसला मेरा अटल था और बहुत ही लाजवाब था। जो फैसला जो मैं उस समय लिया था वो फैसला आज रंग ला रही है। मेरी भी 200 प्लस की टीम है मैम, और पूरे भारत में मेरे भी फाउंडरशिप हैं, हम मुझसे जुड़े हुए हैं, और मैं हमेशा सकारात्मक ही रहता हूँ, हमेशा पॉजिटिव ही सोच रखता हूँ, और हम लोग धीरे धीरे अग्रसर हैं, आगे बढ़ने की तरफ एकदम आगे बढ़ रहे हैं, और इसी वाणी को मैं विराम दे रहा हूँ। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। वी आर इन इट सो विन इट, वी आर इन इट सो विन इट। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। थैंक यू सर, नरेंद्र सर थैंक यू सो मच, आपकी बात बहुत अच्छी रही कि पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, और अगर आप शुरू से आज तक पॉजिटिव, और वाकई में आपने एक आपका विजन क्लियर था कि जो आपने सोचा है वो आपने कर दिया, और वाकई में क्योंकि हम ऐसे के विजन के साथ थे ना तो हम ये चीज कर पाए। अगर हम अभी बहुत सारे लोग नेगेटिव हैं, बहुत सारे लोगों ने अपना रिफंड ले लिया, तो क्या है कि उनका कितना बड़ा लॉस है, आप ये सोचिए। आज हम लोग यहाँ पर हैं तो आप देख पा रहे हैं अभी से ही शुरुआत हो चुकी है, लोगों का जिनका लॉग इन हुआ है उनको तो क्रेडिट्स भी आ चुके हैं, तो बहुत कुछ होना है दोस्तों, अभी तो शुरुआत है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सत्य नारायण जी अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो प्लीज अपने आप पर म्यूट कीजिए। सत्य नारायण जी ओके ओके, हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर कासिम हसन से। तो डॉक्टर वेलकम है आपका आज के शो में, आप सुन पा रहे हैं डॉक्टर कासिम जी? मैम मेरी आवाज आ रही है? जी सर बिल्कुल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कहते हैं कि हजार बरस नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजार बरस नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, जब होता है चमन में दीदावर पैदा। तो हम लोगों ने जो इंतजार किया, अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई और फाइनली 20 तारीख को लॉन्च हो गया, ग्लोबल लॉन्च हो गया, और ये खुशी इतनी ज्यादा है कि हमारे घर में और पूरी दुनिया में तमाम लोग इसका चर्चा कर रहे हैं, इससे है जश्न मना रहे हैं, बहुत ही मजा आ रहा है। क्यों ना हो, क्योंकि लोगों ने बहुत इंतजार किया है, और इंतजार के बाद जब सब्र का फल मिलता है तो यकीनन मीठा ही होता है, और आज पूरी दुनिया महसूस कर रही है और हम लोग महसूस कर रहे हैं, जिसे महसूस कर रहे हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हम लोगों को एक हद में रह करके खुशियां मनाना है, कभी भी हद से बाहर नहीं जाना है, सारी चीजें टाइमली परफेक्ट अंदाज में हो रही है, हम लोगों को सब्र और सुकून के साथ, जैसा कि पहले से ही हमारे लीडर्स ने खास करके हमारे हिंदन सर ने कहा था, एंजॉय द प्रोसेस। तो दोस्तों अभी भी शाहिन मैम ने, नाजमा मैम ने हम लोगों को समझाने की कोशिश की है कि सब्र और सुकून के साथ प्रोसेस को एंजॉय करना है और कभी भी पैनिक नहीं होना है, क्योंकि जल्दबाजी का काम वाकईतन शैतान का ही होता है। और दोस्तों मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने 4 साल 3 साल 2 साल 2.5 साल जो लोग भी जब से आए हैं, तमाम लोग अपना योगदान दे रहे हैं, अपने इफर्ट के मुताबिक, अपनी सूझबूझ के मुताबिक तमाम लोगों ने कोशिश की है, मेहनत की है, तमाम लोगों को मेरा सैल्यूट है, सलाम है। लेकिन दोस्तों ये भी सच है कि जब दरख्त और पेड़ फलदार हो जाता है तो वो झुक जाता है,
तो अभी हमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दिया है। ऑन पेसिव का जो मिशन है, जो विजन है, वो हर आदमी तक ऑन पेसिव को पहुंचाने का है। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ फाउंडर्स को पैदा किया है, ब्रांड एम्बेसडर को पैदा किया है, चैंपियंस बनाए हैं, हम लोग सोल्जर हैं। ऐश सर ने हमें सोल्जर कहा है, अब सोल्जर का जो असल काम है वो अब शुरू ही हुआ है, क्योंकि हम लोगों को किसी को कड़वी बात नहीं कहनी है, ताना नहीं देना है। ये नहीं कि हम बदले पर उतर जाए कि भाई तुमने बहुत मजाक उड़ाया था तो ताने दी मैं, देखो तो हमारा लॉन्च हो गया, ग्लोबल लॉन्च हो गया, ऐसा कभी भी नहीं कहना है। क्योंकि दोस्तों अभी बहुत सारे मरहले बाकी हैं, और हमें जो लोग उस वक्त नहीं समझ पाए थे आज समझेंगे, आज नहीं समझेंगे कल समझेंगे, उनकी नस्लें समझेंगी, और वो लोग कोई कस्टमर बनेंगे, कोई रीसेलर बनेंगे, किसी ना किसी शक्लो सूरत में तमाम लोगों को ऑन पेसिव में मर्ज हो जाना है। अगर आज हमने कड़वी कसेली बातें कह करके उनका दिल तोड़ दिया और हमने बहस को जीत लिया, आदमी को नहीं जीता, तो आगे के लिए रास्ते बंद हो जाएंगे। इसीलिए हमें इन बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम ताने सुनते थे तो हम भी कभी कभी दिल में सोचते थे ये कहेंगे वो कहेंगे, दिल में ठाने थे बहुत, ये कहेंगे वो कहेंगे, दिल में ठाने थे बहुत, जब नजरें चार हुई तो सारा गिला जाता रहा। अब किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, हमें सिर्फ इंजॉय करना है, जश्न मनाना है, खुशियां मनाना है, और साथ में जो लोग उस वक्त नहीं समझ पाए थे, जैसे हमारे पास रेफरल लिंक आता है, चाहे जिस टाइप का भी लिंक आता है, उनको शेयर करना है। और आज फिर उसी ईमानदारी के साथ, सब्र के साथ, सूझबूझ के साथ तमाम लोगों को जोड़ना है, क्योंकि हम लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि ऑन पेसिव फॉर एवरीवन, सबके लिए है, तो हमें सब तक पहुंचकर ही दम लेना है। कभी हमको रुकना नहीं है, थकना नहीं है, क्योंकि रुकना मना है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सब्र सुकून के साथ हम लोग प्रोसेस को इंजॉय करेंगे, पैनिक नहीं होंगे, और जैसे जैसे हम लोगों का नंबर आता जाएगा, हम लोग रजिस्टर होते जाएंगे, रजिस्टर कराते जाएंगे, जिनको हमने बड़े प्यार से खुशामद करके, जैसे भी जिनको हमने फाउंडर बनाया है, आज हमारी एक और जिम्मेदारी बढ़ गई है कि आज इस लास्ट मरहले में भी उनका साथ दे करके उनको भी रजिस्टर कराना है, ओमेल में, ओबीएस में उनको भी एंटर कराना है, वरना हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि हसरत पे उस मुसाफिर बेकस की रोइए, हसरत पे उस मुसाफिर बेकस की रोइए जो थक गया हो मंजिल के सामने। तो मंजिल हमारी आ चुकी है, हम मंजिल तक पहुंच गए हैं, लेकिन अगर हमने थोड़ी सी लापरवाही की, आनाकानी की, अपने ईगो में रह गए, तो दोस्त वो बेचारे बिल्कुल ही नाउम्मीद बेयारो मददगार रह जाएंगे, जिनको हमने कभी कोशिश करके, हाँ, बहुत मेहनत से खुशामद करके, समझा बुझा करके उनको हम लाए थे। बीच में कुछ नोकझोंक भी हमारी हुई, क्यों नहीं हुआ, कब होगा, कैसे होगा, होगा ही नहीं, तो उन बातों को बिल्कुल भूल जाना है। और जैसे कि आज में हमारे सर ने भी कहा कि ये समझिए कि आज आपका ऑन पेसिव में रजिस्ट्रेशन हो रहा है, बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ में तमाम बातों को दरगुजर करके, जैसे मैंने कहा कि ये कहेंगे वो कहेंगे, दिल में ठाने थे बहुत, जब नजरें चार हुई तो सारा गिला जाता रहा, तो बिल्कुल और डिलीट करके हम लोग नए सिरे से फिर फुल एनर्जी के साथ लोगों से मिलेंगे। जिनको रजिस्टर करना है ओबीएस में वो भी करेंगे, और जिन लोगों को लिंक शेयर करना है वो भी करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग जश्न भी मनाते रहेंगे, क्योंकि जश्न मनाना भी जरूरी है। और दोस्तों मैं अभी भी देख रहा हूँ कि हमारे पार्टिसिपेंट जो है अभी 111 है, फिर 185 हो गए हैं। तो दोस्त अगर हम सब, हमको ऑन पेसिव से प्यार है, मोहब्बत है, तो जाना है कि जब तुम किसी से प्यार करो तो उसका इजहार करो, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। तो दोस्तों मोहब्बत का तकाजा है कि आपके दिल में जो भी है, जो भी जज्बात है, वो आप आकर के इस प्लेटफॉर्म पे साझा कीजिए, शेयर कीजिए। जब तक आप बोलेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तो दुनिया कैसे सुनेगी? जब तक सुनेगी नहीं, समझेगी नहीं, समझेगी नहीं तो दोस्तों मानेगी नहीं। अगर आप, हम ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग अपना फीडबैक दें, शेयरिंग रखें, अपने हालात, अपने जज्बात, अपनी खुशियां, अपने जश्न का इजहार करें, और इस प्लेटफॉर्म को हाल में
कीजिए, जब ही हम लोग एक सच्चे और अच्छे अब्बत करने वाले अपने आप को साबित कर सकेंगे। थैंक्स मैम। थैंक यू कासिम सर, थैंक यू सो मच। मतलब कि कासिम सर का भी एक वो है कि ट्रेन में अगर इनको बिठा दे तो बिल्कुल स्टेशन पे जाके ही रुकना है। नॉन स्टॉप सर से आप बहुत कुछ सुन सकते हैं और सर इतना अच्छा बोलते हैं कि अभी एक घंटा भी हम इन्हें टाइम देंगे तो ये पूरा टाइम जो है ये ऑन पैसिव के बारे में बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही खूबसूरती के साथ बोलेंगे। सो थैंक यू सो मच कासिम सर, आपने बहुत अच्छा अपना शेयरिंग रखा। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि दोस्तों कासिम सर ने बोला कि किसी को ताने मत दीजिए कि देखो तुम तो ऐसे कहते थे और आज ऑन पैसिव आ गया, तो ऐसे नहीं करना है क्योंकि अभी तो हम लोग अपने साथ दोबारा लाने का एक मौका है, कस्टमर वो आएंगे ही आएंगे, तो हमें उनको अच्छे से रखना है, उनके साथ एक अच्छे रिलेशन रखना है। तो नेक्स्ट टाइम आप उनको लेकर के आइए। तो थैंक यू सो मच कासिम सर, आपने बहुत अच्छे की शेयरिंग रखी। दोस्तों मैं यहाँ चाहती हूँ नरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी हैं, सो प्लीज वो आए अगर सुन पा रहे हैं, अनम्यूट कीजिए प्लीज और आप अपनी शेयरिंग रख सकते हैं। सर नरेंद्र प्रसाद जी आपने आप हैं सर यहाँ पर? ओके नेक्स्ट है यहाँ पर अर्जुन कुंजम जी। अर्जुन जी आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके आप अपनी शेयरिंग रख सकते हैं। अर्जुन जी आप में से कोई भी नहीं है यहाँ पर, आप रेज हैंड करके यहाँ से गायब हैं, तो फिर उन लोगों का भी मौका रह जाता है जो लोग बात करना चाहते हैं। तो प्लीज अगर आप नहीं बात कर पा रहे हैं तो हैंड डाउन कर लीजिए ताकि हम अदर्स को चांस दे दें। हेलो, यहाँ पर दो तीन लोग हैं। सत्य जी कौन बात कर रहे हैं? हेलो मैम। हाँ नवाज अहमद साहब जी मैम, वेलकम है आपका। बिल्कुल बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। आप सिर्फ इतना बताइए सर आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं और आपकी फीलिंग क्या है ऑन पैसिव लॉन्च होने के बाद, तो उतनी ही शेयरिंग रखिए प्लीज। जी मैम मैं नवाज बोल रहा हूँ जम्मू कश्मीर से सर। जी सर। जी मैं मैम कहना चाहता हूँ, हम जितने भी हम फाउंडर हैं इनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमने जो जितना मतलब 3-4 साल से मतलब इंतजार किया है और आज हम बिल्कुल फाइनली लॉन्च हो गए हैं, तो मैं यही कहना चाहता हूँ अब हमें ज्यादा ये नहीं सोचना है कि अब किसी की आईडी खुल रही है किसी की नहीं खुल रही है, तो इसमें कुछ हो सकता है? बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता है। इस वक्त जो साइड स्लो चल रहा है इस वजह से कि हम इस वक्त जो 15 लाख लोग जो ट्राई कर रहे हैं एक साथ में, तो साइड तो स्लो होना है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ जितने भी मेरे डाउनलाइन में है चाहे अपलाइन में है, हम सबको बिल्कुल सतर्क रहना होगा क्योंकि आने वाला टाइम हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, तो थैंक यू मैम जी। थैंक यू नवाज सर, बहुत ही अच्छा आपने मैसेज दिया कि देखिए साइज तो हैवी रहेगी, एक दो दिन में सबका हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही सबको पेशेंस बना के रखना है ताकि कोई भी मतलब ये ना सोचे कि मेरा नहीं हो रहा। आपकी आईडी बिल्कुल सेफ है, आराम से जब भी आप उसको स्टार्ट करेंगे, अगर अभी हफ्ता भर भी लगता है फॉर एग्जाम्पल तो भी आपकी आईडी कहीं नहीं जाने वाली, आप आराम से लॉग इन कर पाएंगे। ओके तो थैंक यू सो मच नवाज जी, आपने बहुत अच्छी अच्छी शेयरिंग रखी। ओवर टू नाजमा मैम प्लीज प्रोसीड। थैंक यू सो मच शाइन मैम, बहुत अच्छी शेयरिंग लगी और नवाज ने भी उससे पहले, कासिम सर ने उससे पहले, सभी ने बहुत अच्छी शेयरिंग रखी, अपने अपने विचार रखे। रियली सब बहुत एक्साइटेड नजर आ रहे हैं और मुझे अब इस वक्त याद क्या आ रहा है, मेरे ब्लेसर्स याद आ रहे हैं मुझे, मेरे जो ब्लेसर हैं शाहीन हसन हैं, सोमलता जी हैं, कासिम सर हैं, यानी मैं कितनी गिनती शुरू करूंगी, जुबेदा मैम है, तो बहुत सारे हैं। तो मुझे मैं खुश नसीब हूँ कि मैं इनके बीच में हूँ और इनके साथ हूँ और मुझे अच्छा लगता है क्योंकि जो अपने लिए अच्छा सोचते हैं दोस्तों के लिए भी अच्छा सोचते हैं। तो इस जर्नी में जो सबसे बड़ा रोल है ना हमारे रिश्तों का है, रिश्ते हैं, रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं, यानी पड़ोसी हैं, तो लेकिन इस चीज को बनाए रखें और ऐसा ना हो कि हम सक्सेस हो जाएं और हम किसी को पीछे छोड़ दें। हमें सबको एक साथ चलना है, जैसे ऐश का विजन है और मिशन है उनका जो दिख रहा है, उन्हीं के मिशन तक पहुंचना है। लेकिन कब, जब हम अपने, यानी कि अगर हमको कुछ अर्निंग होती है आगे
तो अपनी अर्निंग के साथ अपने साथ वालों को साथ साथ लेके चलना है, किसी को हमें बीच में नहीं छोड़ना है। दूसरी बात, आगे अब हम बात करेंगे, हमें नजर आ रहे हैं अर्जुन कुंजन। सर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अर्जुन कुंजन जी प्लीज आप अपनी शेयरिंग रखें। सर आपका स्वागत है। जी सर, वेलकम सर। हाल में आवाज नहीं जा रही है। कोई नहीं, नेक्स्ट को ले लीजिए नाज़मा मैम, उनको शायद आवाज नहीं जा रही। सेकंड में लेती हूँ उपेंद्र, उपेंद्र नाथ सर इनवाइटेड हैं, आप आइए। क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं सर? प्लीज कम। जी मैम, स्वागत है आपका। जी सर अपनी शेयरिंग रखें सर। मेरा नाम उपेंद्रनाथ राव है मैम, और मैं इंडिया का रहने वाला हूँ। मैं आपके बात सुन रहा था, बहुत अच्छा लगा कि मैं इतना दिन तक मैं वेट कर रहा था, जो सामने आ गया, जो डेट लंच का लंच हो भी गया। बट मैं अभी चाहता हूँ मैम कि जल्द से जल्द हम लोग का भी जो प्रोडक्ट है वो बाहर आ जाए, कि सभी दुनिया लोग मेरा प्रोडक्ट, हम लोग का प्रोडक्ट यूज करें। और मैं चाहता हूँ कि मैम कि ऑन पेसिव जो है वो सारा दुनिया में, जैसे कि अब जियो है सभी का हाथों हाथ में, घर घर में, वैसा ही मेरा हम लोग का प्रोडक्ट सारा दुनिया में रहे। और मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ मैम, क्योंकि जो अभी मेरा जो टेंशन है वो अभी दूर हो गया, कि मैं इतना दिन तक मैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, आपने बहुत अच्छी शेयरिंग रखी कि सारी टेंशन खत्म हो गई, क्योंकि बहुत लोग जो हैं पागल कहने लगे थे, बेवकूफ कहने लगे थे, या इनकेस कुछ भी किसी को कैसे बोल देने का कि कुछ नहीं होगा, नहीं होने का कुछ भी। अभी भी कमेंट्स बहुत से ऐसे आते हैं, लेकिन आज उनके लिए तो ये हो गया कि जो निगेटिव है वो अब उनको, मतलब उनकी बोलती बंद हो चुकी है। तो अब फाइनली हम लोग कहना चाहता हूँ जी सर, जी सर, आज तक हम लोग ताना सुनते आए हैं, और आज गर्व के साथ हम कह सकेंगे कि हम ऑन पेसिव का एक फाउंडर है और एक मेंबर है, कि हम सारे दुनिया में मेरा नाम जो है लिस्ट में आ जाएगा, तब हम दुनिया भर को हम बता सकेंगे कि ऑन पेसिव का हम फाउंडर हूँ। हम बिल्कुल बता सकेंगे। और आज हमको क्या है, एक चीज और हमें बहुत ही खास तौर से हम लोगों को ये सबको ही ये समझनी चाहिए कि हम जब हमने इस कंपनी में फाउंडरशिप ली है तो हमने साथ भी देना है। जमाना अपनी तरफ है, जमाना अपनी जगह है, लेकिन हम जितने भी फाउंडर्स हैं बहुत बड़ी पावर रखते हैं अपने आप में, तो हम अकेला वो हमें नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे कंपनी को अकेला, हम साथ देंगे और साथ रहेंगे, और इस मिशन के साथ यानी विजन के साथ मिशन तक पूरा करेंगे सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी सर मनोज नायक। सर मनोज नायक जी आइए, आप अपनी शेयरिंग रखें। अच्छा लग रहा है सेशन बहुत, कि लोग अपने विचार मतलब दे रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा सर। सर मनोज जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ओके तो ठीक है, हम वेट करते हैं सर। ओके सर, जी सर मनोज जी स्वागत है सर आपका, अपनी शेयरिंग रखें सर। जी मैम नमस्कार। जी नमस्कार, नमस्कार जी मैम, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है इस प्लेटफॉर्म पे आकर, और बहुत ही अच्छा है मैम, धन्यवाद। ऑलवेज वेलकम सर। जी मैम, ठीक मैम, धन्यवाद। जी सर कुछ और कहना पाएंगे? बस मैम थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, आपने प्रयास किया और हमें बस यही सुनना है
कि हमारे ब्रांड एम्बेसडर की आवाज हमें सुननी चाहिए। मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी, हमारे बीच एक पैनल में है रमला साह जी, बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी है, मैं चाहूंगी आप आए। नाज़म मैम एक मिनट, मैं ये बोल रही हूँ नाज़म मैम, हम जी जी मैम जी, सर ने तो हमने कुछ अपने बारे में बताया ही नहीं, सर बोलना भी चाहते हैं लेकिन सर पैनल बहुत देर से मैंने देख रही हूँ और मैम के साथ इनका फोटो है, तो थोड़ा सा इनको बात करिए सर, आप आए हैं पैनल तक, क्योंकि हर किसी को देखिए मौका नहीं मिलता, बहुत सारे रेज हैंड रहते हैं और सारे लोग बात भी नहीं कर पाते, तो मैं कहूंगी कि आप आए हैं तो कुछ तो शेयरिंग रखिए, अच्छा तो आपको लग रहा है, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, सर थोड़ा सा अपने बारे में बताइए प्लीज। जी कुछ नहीं मैम, थोड़ा छोटा सा एक धंधा करता हूँ यहाँ पे, मैं रहने वाला यूपी उत्तर प्रदेश का हूँ, जिला औरैया है, और मैं महाराष्ट्र में धंधा करता हूँ मैम, कटलरी का सामान जैसे बेचते हैं। okay. और मेरी मैसेज और मेरा ही दो आईडी है, और मेरे एक फूफा जी हैं उनके थ्रू मैं इस कंपनी में आया था, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये प्लेटफॉर्म, तो मैंने आधी मतलब ऑन पैसे में आके बहुत ही अच्छा लगता है मैम। बहुत बढ़िया हमेशा बात करते रहे क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बेसिकली शेयरिंग का मतलब ही ये दोस्तों, यहाँ पर आप यहाँ पर बोलना सीखें, आप जैसे अभी कम बात करके आप जा रहे हैं कि बस मैं इतनी बात करूंगा, तो यहाँ पर आपको एक मौका दिया जा रहा है बात करने का, क्योंकि आपको अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है, आज तो शेयरिंग सेशन है लेकिन इसके अलावा भी इस प्लेटफॉर्म पर आपकी पर्सनालिटी को डेवलप किया जाता है कि भाई हम किस तरह से बात करें। देखिए बात आप बहुत अच्छी कर रहे हैं माशाल्लाह से, लेकिन क्या होता है कि हम एक कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है तो हमें उस लेवल को अपने अंदर लेकर आना है। कोई भी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बेसिकली क्या है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि नवरत्न तेल जो बेचता है वो अमिताभ बच्चन बेचता है, आप सोचिए वो उस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर है, यानी कि किसी कंपनी को वो प्रमोट कर रहा है, उसकी जिम्मेदारियां हैं उसके ऊपर। तो बहुत कुछ जो है इस तरह से जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, आप देखिए लॉरियल लक्स है, लॉरियल है, उसकी ऐश्वर्या राय ब्रांड एम्बेसडर है, यानी कि वो उस कंपनी को प्रमोट कर रही है, उसके लिए सारा काम कर रही है। तो इसी तरह से दोस्तों हम और आप ऑन पैसिव के ब्रांड एम्बेसडर है, हम ऑन पैसिव को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारा बनता है ना कि हमारी जो पर्सनालिटी हो, जो हमारी बात करने का तरीका हो, जो हमारे सोचने का नजरिया हो, जो हमारे देखने का नजरिया हो, वो सब कुछ बिल्कुल एज सर की तरह होना चाहिए, डिक्टो। सो थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छी शेयरिंग रखी, ओवर टू नाज़मा मैम प्लीज कंटिन्यू। जी मैम धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर, आप आए और आपने शेयरिंग रखी और आपके हौसले को सलाम सर, और इसी तरह हम चाहेंगे कि सभी इसी तरह जुड़ते रहें। आज हमारा ये ट्यूसडे था, सेशन रहा हम लोग का। रमला साहब मैं चाहूंगी आप आए, अपनी शेयरिंग रखें। हेलो गुड इवनिंग, मैं रमला शाह छत्तीसगढ़ से। सभी पैनलिस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद और डॉक्टर इदिस मोदी सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, नाजमा मैम को थैंक यू, शाहिन मैम को थैंक यू, सर्वानंद सर दिख रहे तो थैंक यू सो मच। ये ऑन पैसिव है, इतने साल से जो लोग टिके हुए हैं, क्यों टिके हुए, भरोसा विश्वास, ऑन पैसिव नाम ही हो गया है अभी, भरोसा विश्वास। देखिए बोलते हैं ना, देखिए हमारे इंडिया में तो कितने करोड़ों लोग हैं, पूरा वर्ल्ड में कितने करोड़ों लोग होंगे, पर भगवान की ऊपर वाले की गॉड की अल्लाह की एक मतलब कृपा होती है, ब्लेसिंग होती है जो हम सब फाउंडर के ऊपर है, नहीं तो बताइए इतने सारे करोड़ों लोगों के अंदर हम सिर्फ 14,30,000 रुपए लोग ही क्यों जुड़ते बताइए, है ना। वो क्या है, एक गॉड का जो मतलब ब्लेसिंग होती है ना, सबके ऊपर नहीं होती है, किसी खास चुने हुए लोगों के ऊपर। तो भगवान ने हम कुछ 14,30,000 लोगों को चुना है, सॉरी, कि हम हमारे द्वारा लोगों का कुछ भला हो सके। जैसे मदर टेरेसा एक थे, ऐश मुफारे सर बोलते हैं ऐसे लाखों हजारों मदर टेरेसा होंगे जो अपना तो भला करेंगे, साथ में पूरी दुनिया का भला करेंगे। देखिए एक होता है ना गॉड का, ऐश मुफारे सर है गॉड का, वही मतलब आशीर्वाद, उनका थ्रू ही हम सब जुड़े हैं। नहीं तो देखिए इतने सारे कंपनी है, गूगल है, फेसबुक है, सबने तो कुछ ना कुछ बनाया, किसने फाउंडर जोड़े हैं आज तक, किसी एक कंपनी बताइए जो किसी फाउंडर को लिए आम लोगों की जिंदगी बनाने के बारे में सोचा है, कोई नहीं, नथिंग, सिर्फ ऐश मुफारे सर ही ऐसा सोच रखे है जिससे सभी का भला हो सके।
और ये वन पे सिर्फ 4 साल से टिकी हुई है सिर्फ भरोसा और विश्वास के साथ। जो भरोसा विश्वास बनाए रखे हैं उसके जीवन में आज का ये जो सुखद घड़ी आया है उसी भरोसा और विश्वास के साथ ही। तो आप सभी फाउंडर को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन और बहुत बहुत बधाई आप जो ये फाउंडरशिप लिए हैं और आज तक भरोसा बनाए हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपना फाउंडरशिप पेंडिंग जो अपना पैसा वापस ले चुके हैं उन लोग आज पछता रहे हैं कि हाँ हमने क्यों लिया, हमारा ये गलत डिसीजन हमारा नहीं हमारे पूरा बच्चे लोग का हमारे परिवार वालों के लिए ये गलत डिसीजन आज उन लोग पछता रहे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशन। आप धैर्य बनाए रखिए, विश्वास बनाए रखे हैं, आगे भी इस तरह धैर्य और विश्वास बनाए रखिएगा। आप सभी का जीवन ब्राइट और खुशहाल होने वाला है, आपका नहीं आपके दोस्त रिश्तेदार परिवार नहीं, आप वर्ल्ड इंडिया वर्ल्ड में कहीं पे भी किसी का भी भला कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मिस्टर रियाश मुफारे सर एंड थैंक यू वर्ल्ड होस्ट पैनलिस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रमला जी, आपने अपना एक्साइटमेंट बहुत जबरदस्त दिखाया है और वो जो कि नजर आ रहा है। और सभी फाउंडर्स जितने यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर आए हैं सबने अपनी शेयरिंग रखी, एक से एक बढ़ के यहाँ लोग आए और हम यही कहेंगे आप खुद आइए और दूसरे लोगों को भी लाइए, दूसरे फाउंडर्स को भी लाइए ताकि उनको भी मौका मिले और आपकी बात लोगों तक पहुंच सके और सब लोग जान सके कि हाँ ये ब्रांड एम्बेसडर हैं और देखो इनका बोलने का नजरिया और ये कब से जुड़े हुए हैं। सर मैं अब बुलाना चाहूंगी, बहुत अच्छा मुझे नाम नजर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सर स्वागत है आपका। सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? जो भी हैं सबसे अच्छी बात तो ये होती है अपने नाम से आए तो बहुत अच्छा, हो सकता है मैं भी कि किसी को नाम नहीं लिखना आता हो उस वक्त, तो जो भी आपने लिखा तो मैं उसी नाम से बुला रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो नाम है आप आइए सर अपनी शेयरिंग रखें। सर आप मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं सर, सॉरी। अब मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी हिम्मत जी, आप आइए हिम्मत दिरोरिया। हिम्मत दिरोरिया दियोरा सर स्वागत है आपका। जी सर सुन पा रहे हैं आप हमको? नो ओके नजर आ चुके हैं 1 2 3 4 5 6 7। हेलो जी सर स्वागत है आपका। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग सर, आपने नाम बड़ा अच्छा रखा है। क्या नाम रखा है? 1 2 3 4 5 6 7 नहीं सर मैं हिम्मत दियोरा बोल रहा हूँ। अच्छा जी हिम्मत जी सॉरी सर। जी सर स्वागत है आपका। जी कोई बात नहीं सॉरी सर, आपकी शेयरिंग जी शुक्रिया, बहुत बढ़िया सर, नाइस सिटी। ये मुझे तो इसमें कुछ पता नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ कि मैं इसमें आईडी मेरा तो लग चुका है 2 साल पहले से। हेलो हेलो जी सर बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। जी सर बोले सर। तो अभी इसमें करना क्या है सर? अभी तक आपने उसको लॉगिंग वगैरह नहीं करते थे क्या? नहीं वो तो सब कर चुका हुआ है, वो तो मैं फाउंडर बना हूँ 2 साल पहले, इसका आईडी भी कई बार खोला है। अभी कुछ नया कुछ प्रोसेस करना का है ना? अभी कुछ नहीं करना है सर, ये फिर वही बात आती है। शाइन मैम जरा बताइए थोड़ा सा। हेलो सर आप सुन पा रहे हैं? हेलो मेरी आवाज नहीं जा रही। बोलिए मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही। आप लोगों को आ रही है मेरी आवाज? ये शाइन मैन आपकी आवाज आ रही है।
थोड़ी आवाज कम है शाइन मैम, थोड़ा माइक ऊपर करें, थोड़ा ब्रेक डाउन हो रहा है। ओके ओके सर, आपको मेरी आवाज बिल्कुल आ रही है मैम? नहीं, इनको आ रही है क्या नाम सर का? हिम्मत जी आपको आवाज आ रही है? आ रही है जी। ओके बताइए क्या, कंटिन्यू शाइन मैम। सर आपकी आवाज फिर चली गई। हेलो शाइन मैम, आप अपना उनका जो भी है आप उनको बता दीजिए, ठीक है? उनका सवाल समझ आए ना। ओमेल है, ओमेल वो क्या है, वो किस तरह से इसमें डालना है, वो मुझे कुछ आइडिया नहीं। ओके अभी इतना बड़ा प्रोसीजर इस पे कैसा आएगा ये? हाँ बिल्कुल सही कहा नाजमा मैम ने, बिल्कुल। देखिए सर ये प्रोसेस है पूरा, जैसे आपका जीमेल पे अकाउंट बना हुआ है ना, ऐसे ही आपका अकाउंट पे बनेगा। जब आप ओ फाउंडर में जाएंगे, अंदर लॉगिन करेंगे, वहां पर आएगा रजिस्टर करना है आपको ओ मेल में। ओके तो वहां पर जाके आप क्लिक करेंगे, देन ये पूरा प्रोसेस है। तो थोड़ा सा आप वेट कीजिए क्योंकि अभी हर चीज जो है आपको वेबिनार में बताई जाएगी। थोड़ा सा हिट दे दो, थोड़ा सा ग्राइड कर दो, मैं फिर बाद में कर दूंगा। सर अपना फोन नंबर आप जो है दे दीजिए, फोन नंबर तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो फोन नंबर अभी मैं बोलूं, लिख लो। हेलो जी सर बोलिए। 9016 176 07031। ओके थैंक यू सर, कंटिन्यू नाजमा मैम। आप नाजमा मैम हमारा लास्ट पार्टिसिपेंट लीजिएगा क्योंकि टाइम हमारे पास 7:15 तक का है। तो शाहिन मैम कंटिन्यू, मैं थोड़ा बाहर आ रही, कंटिन्यू आप। थैंक यू सर। ओके मैम, मुझे नंबर पे कॉल कर। जी सर बिल्कुल करेंगे आपको कॉल, बिल्कुल बिल्कुल। ओके अब देखिए एक दो लोगों को ही मैं यहाँ ले पाऊंगी, ज्यादा किसी को नहीं, क्योंकि सत्य नारायण जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज, क्योंकि आपका बहुत देर से रेज है, आपको दो बार मैंने कॉल भी किया, अगर आप हैं तो प्लीज आप अपनी माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। सत्य नारायण जी, सर्वानंद जी ये सैयद शकील सर को ले लीजिए दुबई से। ओके शकील सर के बाद हम खत्म करते हैं क्योंकि ये तो बात ही नहीं कर पा रहे नारायण सर, काफी देर से हम उनको ट्राई कर रहे थे। अलाउड टू टॉक शकील सर, मैंने आपको जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी शकील सर, कैसे हैं आप? जी खैरियत से, आप? बहुत बहुत मुबारक आपको भी सर, आपको। और बहुत ही एक्साइटमेंट है, हम सब ब्रांड एम्बेसडर्स को जो है ना इस जो लॉन्चिंग की जो डेट थी, और सब लोग जो काफी एक्साइटमेंट है माशाल्लाह से, और सबसे बड़ी बात आज सऊदीया जीत गई, उसके लिए भी मुबारकबाद दूंगा अर्जेंटीना के साथ 2-1 से हराई है, बहुत ही बहुत जबरदस्त जी। आप मैच देख पा रहे होंगे वहां पर? मैं देख रहा हूँ बिल्कुल, मोबाइल पे ही देख रहा हूँ लाइव। तो मोबाइल अगर रहती तो मैं भेजता था, बिल्कुल भेजता था। और सब जो है ना, आपकी आवाज रुक रही है शान मैडम। हेलो अभी आ रही है मेरी आवाज? हाँ अभी आ रही, कुछ बीच में डिस्टरबेंस भी हो रहा है, पता नहीं क्यों, पता नहीं यहाँ तो कुछ है नहीं। एनीवे सब अभी सुन रहा था लोग जो है ना, अपने जो ब्रांड एम्बेसडर्स जो बोल रहे थे, मुझे ये बात बोलना है कि अब जो हमारे खिताब दिया गया ब्रांड एम्बेसडर्स का, तो अपने जो भी अपलाइन है डाउनलाइन है उनको डाउनलाइन के मतलब खिताब मत दीजिए, जो भी है ब्रांड एम्बेसडर्स का ना मतलब जो है ना नाम ब्रांड एम्बेसडर्स बोल के बोलिए। तो अभी ये जो है ना वो बात फ्रॉम फाउंडर्स की जो है ना, फाउंडर्स अभी खत्म हो गया, अभी एम्बेसडर्स की बात करेंगे आप,
सुने, अपना एटीट्यूड बदले और जो है ना जो भी है और डिसिप्लिन मैटर में जो है ना बात करे सुने, और बस यही बोलना चाह रहा हूँ। वेरी गुड सर, आपने बहुत अच्छा बोला है, डाउन और कोई नहीं बोल रहा है, ऐसा ब्लेसर बोला मिस्टर एश ने, बोला ब्लेसर जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़िमा मैडम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये कोई नहीं भूल पाएगा कि मुझे मेरा दोस्त यहाँ लेके आया, तो मेरे लिए आज वो ब्लेसर है। मेरा रिश्तेदार लेके आया, तो आज मैं वो डाउन और हम सब ब्लेसर्स ही है, ब्लेसर्स ही है जो हमें इस प्लेटफॉर्म, हमें इस प्लेटफॉर्म जो है एक एक अलाउद्दीन का चिराग ही बोल सकते हैं, हम जो है ना ये प्लेटफॉर्म में है और सभी जो है ना खुश नसीब है इस प्लेटफॉर्म पर आके। हाँ, सही कह रहे हैं आप, क्योंकि बचपन से हम ढूंढ रहे थे ना अलाउद्दीन का चिराग। हाँ, जो नहीं आए बस उन लोगों की बदकिस्मती है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं वैसे हैदराबाद से हूँ, मैं हैदराबाद से हूँ प्रॉपर, और जैसे दुबई में हूँ भी फिलहाल। वेबिनार्स देखते रहता हूँ बट मौका नहीं मिला कभी बात करने का आपसे, आज बात भी हो गई माशाल्लाह। नहीं सर, ये प्लेटफॉर्म बने ही ऐसे हैं कि आप सबको आना है और बोलना है, जैसे भी समय मिलता है आप बोलिए, और अच्छा है गाइड करते रहें आपस में एक दूसरे को, हम एक दूसरे को, यही जिंदगी है सर। बिल्कुल बिल्कुल, और एक दूसरे की मदद करना वही हमारे हमारे मतलब परिचाहत है, वो खून में है वो हमारे, के मदद करना है किसी को। ठीक है शाहिन मैम, कंटिन्यू। थैंक यू मैडम। थैंक यू शकील सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों हमारा टाइम अभी पूरा हो गया है, बहुत सारे लोगों के रेज हैंड मुझे यहाँ दिख रहे हैं, लेकिन सॉरी हम अपने नेक्स्ट सेशन में जरूर लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वेबिनार भी रहता है इसी प्लेटफॉर्म पर, आपको पता है टीम चैंपियंस का सेकंड वेबिनार रहेगा 8 बजे का। सो थैंक यू सो मच टू ऑल, जितने लोगों ने भी शेयरिंग रखी, सभी का देखिए नजरिया अलग अलग था और सभी ने बहुत अच्छी शेयरिंग रखी। जैसे मुझे इनका तो बहुत ही अच्छा लगा कुशवा जी का, उन्होंने कहा हम तो रिकॉर्ड तोड़ते हैं, तो ऑन पैसिवियंस है तो रिकॉर्ड तो ब्रेक करेंगे ही करेंगे। और सबसे अच्छी बात आपकी मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखिए अभी जो है हम सिर्फ ब्लेसर वर्ड का यूज करेंगे, और वी आर द लकीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, ही हम कह सकते हैं कि आज हम लोग ऑन पैसिवियंस हैं। सो सभी को गुड लक है, और बिल्कुल आइडियाज के लिए जो है आराम से आप लोग धीरे धीरे ट्राई करते रहिए, थोड़ी थोड़ी देर बात करिए, अगर नहीं हो रहा है तो पैनिक मत होइए, क्योंकि 3 बार अगर आपने लगातार करा तो आईडी आपका पासवर्ड थोड़ी देर के लिए ब्लॉक हो जाएगा हाफ एन आवर के लिए, फिर आपको आधे घंटे बात करना पड़ेगा। तो आप अगर एक बार आपने करा और नहीं हो रहा है तो थोड़े टाइम बाद दोबारा ट्राई कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच टू ऑल, और स्पेशली थैंक्स बैकएंड सपोर्ट सरवनन जी, पूरा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, पूरा चैनल पे डालेंगे, सब बहुत काम होता है दोस्तों बैकएंड पे भी। और बाकी यहाँ रमला साहब मैम है, नाज़िमा मैम है, थैंक यू सो मच, और स्पेशली इदरीस मोदी सर अगर होते तो वाकई में बहुत अच्छी हमें मोटिवेशन मिलती है सर से, लेकिन सर कहीं बिजी है आज, तो नेक्स्ट सेशन सर के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल, वी आर सो इन इट टू विन इट, थैंक यू सो मच, वी आर सो इन इट टू विन इट, वी आर सो इन इट टू विन इट।